हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जमीन का पर्चा कैसे निकालें। बहुत ही आसान है, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। मोबाइल खोलें और लास्ट तक वीडियो देखें। गूगल क्रोम को आपको ओपन करना है। गूगल क्रोम जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना है झारभूमि। टाइप कीजिए झारभूमि, नीचे यहाँ पे देख लीजिए। अब उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह इंटरफेस होगा और सबसे पहले वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड लिखा है। ये लैंड रिकॉर्ड में आप क्लिक किए, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो देखिए, आप यहाँ पे खाता एवं रजिस्टर देखें, उसी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस तरह का पेज आपके सामने में आएगा। एक जगह पे खतियान और एक जगह पे रजिस्टर लिखा है, तो खतियान को सेलेक्ट करें। हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जिला का नाम मांग रहा है, वो जिला आपका जहाँ है वहाँ देंगे। यहाँ अंचल नाम मांग रहा है, ये मार्गोमुंडा हम दे देते हैं। और हल्का नाम मांग रहा है, वो नंबर होता है आपका, जो नंबर है वो सेलेक्ट कर लें। मेरा 4 है, हम 4 सेलेक्ट करते हैं। और मौजा नाम मांग रहा है। मौजा नाम का मतलब ये हुआ कि आपका विलेज नाम मांग रहा है, गांव का नाम मांग रहा है, तो मेरा ये नाम है देते हैं। और खाता नंबर, आपका जो खाता नंबर है यानी जमाबंदी नंबर भी कहते हैं, तो मेरा 13 है, हम 13 सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ किसमें जमीन, यानी जमीन में क्या है, वो रहती है या फिर क्या कहते हैं गोचर है या कदीम है, तो उसमें से आपका जो है वो सेलेक्ट करें। मेरा रहती है, हम रहती सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे एक कैप्चा मांगा जा रहा है, आप कैप्चा फिल कर लें। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ नीचे जिस तरह ऊपर में खतियान सेलेक्ट किए थे, उसी तरह यहाँ पे सेलेक्ट खतियान को करना है। हम सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट जैसे ही किए, आपके सामने इस तरह का पर्चा आउट हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जिस नाम से ये पर्चा है, जिन जिन के नाम से है, वो नाम ऊपर में हेडलाइन में दिया हुआ है यहाँ से वहां तक। उसके बाद खेवट नंबर कितना है इसका यहाँ मिल जाएगा, ये जमा खाता नंबर कितना है यहाँ मिल जाएगा, थाना कहाँ है, ये सब ऊपर में पूरा डिटेल से मिलेगा। उसके बाद नीचे आइए। अब जमीन के बारे में अगर डिटेल से आपको जानना है तो ये जमीन यहाँ दिख जो रहा है उसमें कितनी डिसमिल जमीन है, कितना एकड़ है, ये सारा विवरण यहाँ से वहां तक दिया हुआ है। ऐसे ही आप निकालें। दोस्तों, वीडियो देखकर अगर पर्चा निकालना सीख गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।